आज सुबह सुबह आप लोगों ने मुझे सरप्राइज कर दिया, हमारे इस वाले चैनल पे हो चुके हैं पूरी 10,000 लोगों की यूट्यूब फैमिली। भाई मजा ही आ गया, 10 वीडियो डाली हैं और 10,000 हमारे पूरी हो चुके हैं यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है अभी, हमने आज जाएंगे वॉक के लिए। बस मास्क इसलिए हटाया था कि आवाज सुन लो, फिर मास्क लगाऊंगा जल्दी से। अभी सुबह के लगभग आज 7 बज गए, थोड़ा सा लेट हो गए, सोचा था 6 बजे तक जाएंगे बट कोई नहीं। अभी मेडिसिन लिया, ब्रेकफास्ट नहीं करा, सिर्फ चाय भी बिस्किट, और अभी निकलते हैं और वॉक करेंगे। आज 45 डेज ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो मुझे ना मसल्स में थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही थी क्योंकि मैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ। अब बैठे बैठे क्या होगा, वीकनेस थोड़ी सी मतलब फील हो रही थी, तो मेरे को लगा कि अब वॉक करनी चाहिए और मुझे अलाउ भी है कि आप पार्क में जाके सुबह वॉक कर सकते हैं। एक नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल बेसिक एक्सरसाइज लाइक वॉक करना, थोड़े बहुत फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है। नहीं करेंगे तो दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, दवाई जो मैं ले रहा हूँ उनसे साइड इफेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। चलो चलते हैं। गेट खोल लिया, गेट खोल रही है गेट। इन्होंने के हार्नेस रखे हैं यहाँ पे। हाँ लगा लो। कन्विन साइकिलों का जो क्रेज होता था वो नेक्स्ट लेवल पे होता था जब हम छोटे थे। मेरे पास भी थी लेकिन वो सिंपल वाली थी, इसी साइज में। स्कूटर भी तो था छोटे वाला, वो जादू फिल्म वाला स्कूटर, वो एक पैर भाई इस, ये तो ये बचपन में मुझे लगता था मुझे मिल जाए, पता नहीं क्यों ऐसा पता नहीं क्यों जादू फिल्म देख रहे। वो कौन सी थी, कोई मिल गया मूवी में, ऋतिक रोशन भगाता था इसको। ठीक है, आंधी में आई थी तेज आंधी, कल बारिश हो रही शायद, कल परसों पता नहीं। पार्क में जाएंगे जो थोड़ा सा खाली हो, ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, मतलब ऐसे इस टाइम तो नहीं होगी, ज्यादा तो सुबह 5 बजे के आसपास रहती है। मार्केट वगैरह भी सब बंद है तो लोग भी ज्यादा नहीं है रोड पे। चुके हैं हम पार्क पे, बहुत सारे हम बैठे, 1, 2, 3, 4 और वो अंदर पार्क में देखो, ये बैठे पीछे बच्चा, और अंदर वहाँ पे आगे बहुत सारे हैं इस पूरे पार्क में। मारते इस पे पूरा कब्जा बंदर होगा, कम से कम 10-15 बैठे हैं कम से कम। है साहब, और रोड पे ना जामुन गिरे हुए हैं बहुत सारे, जामुन के पेड़ हैं। तो भाई रोड पे जामुन ही जामुन है और लोग देखो भर रहे हैं, ये देखो तोड़ रहे हैं, कैसे कैसे तोड़ रहे हैं ये देखो, रोड पे जामुन ही जामुन। जो मतलब स्ट्रीट एरिया है ना, जो जामुन स्ट्रीट, ये मतलब जामुन वाली गली है ये पूरी। यहाँ पे जितने भी पेड़ है सब जामुन के है, और इस सीजन में ना यहाँ पे पूरी रोड पे ब्लैक जामुन 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 सब में ऐसे ही मिलता है। तो पहले तो बचपन में तो हम भी भरते थे पहले बचपन में हम छोटे छोटे बोतल ले जाते थे और मतलब घर के बाहर ही यहाँ पे सब, तो पेड़ों से ऐसे ऐसे हिला हिला के डाल देते, नीचे गिरते थे। ग्रिल मिल जाएंगे आपको अपनी, हमारे ग्रिल पे छोटी वाली आती है वहाँ पे, अरे बहुत है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ देखा ना अभी पीछे रोड पे लोग भरते हैं, बहुत ज्यादा मिलते हैं, बढ़िया है, सही है। आ चुके हैं वॉक करने के लिए यहाँ पे। पिछले बार पार्क में तो बहुत बंदर थे, अच्छा वो नहीं गया, ये वाला बिल्कुल खाली है। इसमें एक राउंड हमने लगा लिया है ऑलमोस्ट, 1-2 राउंड लगाएंगे फिर घर चलेंगे। आ रहे हैं वापस घर पे, वॉक तो हमारी हो चुकी है, ज्यादा नहीं 10-5 मिनट वॉक करी थी बस, फिर उसके बाद अभी निकल रहे हैं घर पे और घर जाके मिलते हैं। ये देखो गाइस अमरूद का पेड़ घर के बाहर, अमरूद लगना चालू हो चुके हैं, तन्नो अमरूद लगना चालू हो चुके हैं, इनको खाना है तोड़ के जल्दी जल्दी। अरे ऐसा चुके, लेकिन मैं नहीं खा सकता, लेकिन जब तक बड़े होंगे मुझे भी अलाउ हो जाएगा खाना। यार बैग वापस आ चुके हैं और नौना हमारा वेट कर रही थी। आ चुके हैं अपने रूम में वॉक करने के बाद, अब ब्रेकफास्ट करना है सबसे पहले और दवाइयाँ लेनी है। ऑयल लगवाया था तनु से तो बाल ऐसे हो रहे हैं, अभी जो हेयर वॉश भी करना है। तो आज मैंने लाइफ में पहली बार इंटरडे में ट्रेडिंग करी और सच बात बताऊं तो बहुत मजा आया, काफी कुछ सीखने को मिला, 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, नॉट बिग बट मजा आया सच बात बताऊं तो। मुझे कमेंट करके बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग क्लास सीखना चाहते हैं या फिर जिनका मतलब फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं ट्रेडिंग के थ्रू। भाई देखो मेरे को तो ये चीज बहुत सही लगती है। तो ट्रांसप्लांट के टाइम से मेरा बॉडी वेट बढ़ चुका है क्योंकि मैं डाइट अच्छी ले रहा हूँ, पनीर है, दही है, सांबर है, और अभी मैंने पीछे भी दिखाया था छोले वगैरह थे, तो अच्छी डाइट ले रहा हूँ मैं आजकल। मतलब वन ऑफ माय फेवरेट, मतलब मैं क्या बोलूँ, ये मैंने लिया इडली और ये मैंने लिया एक पनीर का पीस और ये मैंने ऐसे डिप करा। जैसे मेरा ट्रांसप्लांट हुआ तो मेरी टेस्ट बड्स जो है ना वो इंक्रीज हो गए, मतलब भूख ज़्यादा लगने लगी है, टेस्ट में और अच्छे से मतलब ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ, मतलब सब अपने घर पे इडली सांभर दही पनीर खाओ आप, ठीक है, एक दिन आज ही बनवाओ सब जाके, आज घर पे सब फरमाइज रख दो, इडली बनेगी चाहे बाहर से लेके आओ, बहुत टेस्टी है यार सीरियसली। हॉस्पिटल में भी इडली आती थी, मैं हॉस्पिटल में था ना एडमिट, तो वहाँ पे भी इडली सांभर आता था, लेकिन
हॉस्पिटल के सामान में घर के सामान में थोड़ा अंतर होता है, घर का थोड़ा ज्यादा टेस्टी होता है, पता है ना घर की चीज। दिन में ट्रेडिंग करते टाइम सोचा कि भाई एक काम करता हूँ, अपने जितने भी गैजेट हैं सबको क्लीन कर लेता हूँ, आईपैड हो गया, लैपटॉप हो गया, यहाँ तक कि माइक हो गया, और मैंने वो क्या कहते हैं उसको रिंग लाइट वो भी क्लीन कर दी, और ये देखो टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट, सब कुछ क्लीन कर दिया। और ये सच में गंदे हो जाते हैं, पता नहीं चलता है, धीरे धीरे करके जब क्लीन करते हैं ना, जब बाद में देखते हैं टिश्यू पेपर को या फिर जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, मैं डिटॉल का ये यूज़ करता हूँ, देखो ये गंदा हो गया है। मॉर्निंग है, मैं कल ब्लॉग एंड नहीं कर पाया था, तो अभी मैं हॉस्पिटल निकलूंगा, आज हॉस्पिटल जाना है, एंड आज टेस्ट वगैरह होंगे, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तो निकलते हैं अभी थोड़ी देर में, आधे घंटे में। बाकी ये वाला ब्लॉग जो मैं हॉस्पिटल जाऊंगा ये फिर मैं अपलोड करूंगा, अभी नहीं, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइज। बाकी चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।